हेलो दोस्तों, एक कल्चर स्टडी विद देव में स्वागत है। तो आज हम लोग कृषि रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी में पूछा गया है, कृषि संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए अंजीरा में, बी दाम सदात में से, सी किसी किली गुल मोहम्मद से, डी मोहरगढ़ से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, अंजीरा में, दाम सदात में, किसी गुल मोहम्मद से, मोहरगढ़ से या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहरगढ़ से। तो चलिए देख लेते हैं कि ये अंजीरा, दाम, किली गुल मोहम्मद, मोहरगढ़, ये सब क्या है। ये सब भारत का नॉर्थ वेस्ट एरिया में पड़ता है, जो कि अब पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है, ये सब पाया गया है। ये सब अंजीरा, किली गुल मोहम्मद, मोहरगढ़, दाम सदात वैली में पाया जाता है। और भी है, राणा घुंडी है, मोहनी मुंगडी गहक है, ये सब पाया जाता है। ये सब स्थान है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाया जाता है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में इसको बोला जाता है भारत का, ये सब पाया जाता है। तो ये सब पाकिस्तान में पड़ता है। इसका आंसर होगा मोहरगढ़ से, ये सब बलूचिस्तान में पड़ता है। जितना सब है ऑप्शन, सब बलूचिस्तान में पड़ता है। इसका ऑप्शन होगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह जो विश्व का रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ए भारत, बी चीन, सी ब्राजील, डी नेपाल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले रेशम के बारे में जान लेते हैं। कच्चा रेशम एक धागा होता है जिसमें कुछ विशेष कीटों द्वारा काटे गए कोकुनों से हमें प्राप्त किया जाता है। तो ये कीट से प्राप्त होता है। विश्व का 90% से अधिक रेशम उत्पादन एशिया से ही उत्पादित होता है। उसका माने उद्योग उत्पादित होता है 90%, विश्व का 90% एशिया से इसका होता है। तो अब देख लेते हैं कि इसका स्थान कितना है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा चीन। चीन सबसे बड़ा इसका उत्पादक देश है। भारत इसमें द्वितीय नंबर पे आता है। चीन की बात कर लेते हैं तो चीन एक करोड़ 61,127,000 टन इसका उत्पादन है, और भारत का उत्पादन है 40,03,221 इसका टन उत्पादन है। और ब्राज़ील का देख लेते हैं, 3,054 है, और नेपाल का है 30 टन। अब इसका देख लेते हैं कितने कितने नंबर पे आता है। तो भारत आता है द्वितीय नंबर पे आता है, चीन आता है प्रथम नंबर पे आता है, ब्राज़ील आता है छठा नंबर पे, 6 नंबर पे 6, और नेपाल आता है 24 नंबर पर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील विद्रोह किसके बारे में था? ए रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, बी रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, सी रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उनमें उनसे एक अमान्य मूल जबरदस्ती करवाई जा रही थी, डी नीले रंग के झंडे वाले एक विद्रोह का आंदोलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें एक अमान्य मूल जबरदस्ती करवाई जा रही थी। इसका आंसर होगा सी।
अब नील की खेती के बारे में देख लेते हैं। अठारह में बंगाल की गर्मियों के दिन थे जब हजारों किसान ने यूरोपीय प्लांटर भूमि और नील कारखानों के मालिकों के लिए नील उगाने से इनकार कर दिया था। यह रोष निर्धारण संकल्प का प्रदर्शन था। यह भारतीय इतिहास के सबसे उल्लेखनीय किसान आंदोलन में से एक बन गया। इसे नील विद्रोह का नाम से हम जानते हैं, जिसको हम नील विद्रोह भी कहते हैं। वे इसलिए नहीं करना खेती चाह रहे थे कि वे चाह रहे थे कि हम चावल का खेती करें, इससे अच्छा मूल मिल रहा था उनको, इसलिए वो नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। और ये ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, इसलिए नील का विद्रोह हुआ, नील के विद्रोह का कारण बना। ये सबसे पहले बंगाल में चालू हुआ था नील का विद्रोह 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, करेबास मृतिका जो जफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है, उत्पादन के लिए उपयोगी पाया जाती है। कहाँ ये उत्पादन पाया जाता है करेबास मृतिका जो जफरान एक केसर का प्रजाति है? ए कश्मीर हिमालय में, बी गढ़वाला हिमालय में, सी नेपाल हिमालय में, डी पूर्वी हिमालय में, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए कश्मीर हिमालय में। ए इसका आंसर होगा कश्मीर हिमालय में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केसर को ही जफरान एवं कुमकुम कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। इसकी कीमत लगभग 100 से 400 रुपये प्रति ग्राम पाई जाती है भारतीय पैसा में, मुद्रा में। ये जफरान कश्मीर के बारग्राम, पुलवामा, श्रीनगर और किश्तवाड़ा में उगाया जाता है। ये सब कश्मीर में उगाया जाता है, जो एक प्रजाति है। इसका आंसर होगा ए कश्मीर हिमालय में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का क्या स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, टी तृतीय, डी चतुर्थ, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इसका द्वितीय, यानी बी इसका आंसर होगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, जूट के बारे में। जूट एक प्रकार का पौधा होता है, जो कि उसको सरा के बनाया जाता है, उसको गला के बनाया जाता है, वो जूट होता है। सबसे ज़्यादा जूट का खेती होता है बंगाल में। और बिहार में देख लेते हैं, बिहार में केवल 3 कार्यरत जूल मिल है। एक समस्तीपुर के ज़िले के मक्कातपुर में है, दूसरा पूर्णिया में है, और तीसरा कटिहार में है। तीनों मिल के अधिकतम उत्पादन प्रतिदिन 80 से 85 टन है। और इसके दृष्टि देख लेते हैं, प्रथम दृष्टि में आता है बंगाल, द्वितीय में आता है बिहार, तृतीय में आता है असम, और चौथा में आता है उड़ीसा। ये सब आता है जूट का, ये सब आता है। सबसे ज़्यादा जूट होता है बंगाल में, उसके बाद से द्वितीय होता है बिहार में, और तृतीय होता है असम में, और चौथा होता है उड़ीसा में। ये किशनगंज के और ज़्यादा इसका, दरभंगा ये सब के और के ज़्यादा इसका खेती किया जाता है। मिल उसका 3 वहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बिहार में किस प्रकार के उद्योगों का प्रत्याशा एवं संभावना है? ए तेल शोधनगर कारखाना, बी वन आधारित उद्योग, सी बालू का खनन उद्योग, डी कृषि आधारित उद्योग, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी कृषि उद्योग। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिहार में मुख्य कृषि आधारित उद्योग के रूप में है। यहाँ पे ये फैक्ट्रिकल नहीं है, मैकेनिकल इस सब का नहीं है, सीमेंट उद्योग इस सब नहीं है। मेन इसमें उद्योग ना स्टील फैक्ट्री है, मेन उद्योग यहाँ पे है कृषि से रिलेटेड, जिसमें आ गया आपको चीनी उद्योग आ गया, दूध उद्योग आ गया, वस्त्र उद्योग आ गया, जूट उद्योग आ गया, रेशम आ गया, तंबाकू आ गया, चाय आ गया, जितना भी कृषि से रिलेटेड है ये उद्योग यहाँ पे होता है बिहार में, इसलिए इसको बोला जाता है कृषि आधारित उद्योग यहाँ पे प्रत्याशा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर होगा कृषि आधारित उद्योग। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा एक कृषि उत्पादक बढ़ाने का रास्ता है? ए कुशल सिंचाई, बी गुणवत्ता युक्त बीज, सी कीटनाशकों का प्रयोग, डी उर्वरकों का प्रयोग, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। देखिए इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए रास्ता है। कुशल सिंचाई इसका है ही रास्ता। गुणवत्ता बीज लाएंगे, बढ़िया किस्म का क्वालिटी का बीज लाएंगे तो अच्छा इसका उत्पादन होगा। कीटनाशकों का अच्छे से प्रयोग करेंगे तो तब भी हमको लाभ होगा। उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो उससे भी लाभ होगा। यानी इसका सब आंसर सही है, यानी इसका आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? ए हरी सब्जियों की अधिक खेती, बी गहन कृषि जिला कार्यक्रम, उच्च उपज किस्में कार्यक्रम, बीज उर्वरक एवं जल तकनीकी, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बीज उर्वरक जल तकनीकी। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में कि ये हरित क्रांति है क्या। हरित क्रांति की शुरुआत किए थे वो नॉर्मन वॉरलॉग, हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन भारत में हरित क्रांति की लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है। एम एस स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ काम किया था। इसका शुरुआत हुआ था पंजाब में 1960 के दशक से हुई थी। इसका सबसे पहला राज्य था, भारत का सबसे पहला राज्य था हरित क्रांति लाने वाला पंजाब, जो कि 1960 के दशक में चालू हुआ था। 1940 से लेकर 1960 के समय काल में आधुनिक तकनीक उपकरणों का प्रयोग पर बल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और चमत्कारिक प्रभाव दिखाई दिया 60 के दशक में। तो इसी को हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। इसका आंसर होगा डी बीज के उर्वरक जल तकनीकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि कार्य जनसंख्या का प्रतिशत था? 65 था, 67 था, 68 था, 70 था। तो इनमें से होगा कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई है ही नहीं। इसका प्रतिशत आएगा, इसका 80% इसका है कि बिहार में कितना प्रतिशत जनसंख्या कार्यरत है कृषि में। तो इसका आंसर है 80%, इसमें से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा। अगर मेरा चैनल अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।